स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस अवसर पर एक छोटी सी घटना ध्यान में आती है जो मुझे लगता है कि आप तक भी पहुंचनी चाहिए। एक बार नर्सरी से मैं आम का पौधा लेकर आता हूं और उसे अपने बगीचे में लगाता हूं। कुछ दिन बाद उसकी पत्तियां बकरियां खा जाती हैं। अब वो आम का पौधा केवल एक डंठल रूप में बच जाता है, जो किसी कारणवश वो भी टूट जाता है। तो मेरे ध्यान में आता है कि इस पौधे को सुरक्षा देने के लिए मुझे इसका जो बाहरी कवच है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मैं एक और पौधा लाता हूँ, उसको लगाता हूँ और उसे कंक्रीट की दीवार से बाहरी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। कुछ दिन के बाद वो पौधा फिर से सूख जाता है। मैं फिर से नर्सरी जाता हूँ और नर्सरी वाले को कहता हूँ कि आप किस प्रकार का पौधा दे रहे हैं, मैंने इसको सुरक्षा भी दी लेकिन उसके बाद भी पौधा सूख जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपके इस पौधे में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। वो नर्सरी वाला मुझे बताता है कि आप जो पौधा लगा रहे हैं उसको बाहरी संरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार इसका स्वभाव है इस पौधे का, इसमें दीमक बहुत जल्दी लगती है, तो इसे बाहरी सुरक्षा देने के साथ साथ इसे आंतरिक सुरक्षा भी देना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप उसमें दीमक की दवाई डालेंगे तो ये पौधा सुरक्षित रह सकता है। तो मैंने ऐसा ही किया तो आज वो पौधा काफ़ी विशाल रूप ले चुका है और फल भी दे रहा है। इस छोटी सी घटना से हमें ये ध्यान में आता है कि जो भारत देश है, इस भारत देश के जो सीमा पर हमारे जवान हैं वो भारत की सुरक्षा बाहरी आक्रांताओं से करते हैं, बाहरी दुश्मनों से करते हैं, लेकिन देश के भीतर पल रहे दीमकों का क्या, उन दीमकों का इलाज कैसे हो सकता है ताकि देश जो है अंदर से खोखला होने से बच जाए और देश को आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सके। ये सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी, उसके लिए जरूरी है कि हम जब अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े होते हैं तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हमें अपने धर्म के लिए भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जिस देश का धर्म अथवा संस्कृति सुरक्षित नहीं है उस देश का पतन होना निश्चित है। यानी देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की संस्कृति अथवा धर्म को मजबूत रखना, उसे संरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। और यदि हम धर्म अथवा संस्कृति को संरक्षित रख लेते हैं तो जो हमारा देश है वो आंतरिक रूप से भी सुरक्षित और मजबूत हो जाएगा। आज हम भारत के विश्वगुरु होने की बात करते हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार हमारे भारत की धर्म अथवा संस्कृति है। यदि हम इस आधार पर भारत को विश्वगुरु की बनाने की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपने धर्म तो संस्कृति के लिए खड़े हों, जागरूक हों तथा इसको संरक्षित करने के हर एक प्रयास करें। कहीं पर मैंने पढ़ा था और ये सही भी है कि यदि आप रोटी कपड़ा मकान के लिए ही केवल लड़ेंगे और धर्म आपका संरक्षित नहीं है तो ऐसे में आपसे रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार लिए जाएंगे और मकान जला दिए जाएंगे। तो आवश्यक है कि देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम देश के आंतरिक सैनिक बने और देश के धर्म तथा संस्कृति को किस प्रकार बचाया जाए उस पर विचार करें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, ये कार्य कोई सरकार अथवा कोई पार्टी नहीं करने वाली है, ये कार्य हमें खुद ही करना पड़ेगा। हर एक नागरिक को इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। आप स्वयं जागरूक हों, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उन्हें देश का आंतरिक सिपाही बनाएं ताकि वो अपने धर्म अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सके। सुप्रीम कोर्ट का लोगो आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के लोगो में भी नीचे लिखा रहता है एक ध्येय वाक्य, वो ध्येय वाक्य है यतो धर्मोस्ततो जयः। इस ध्येय वाक्य से क्या अभिप्राय है? इस ध्येय वाक्य का मतलब है जहां धर्म है वहीं विजय है। यानी धर्म इतना सर्वोपरि है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने ध्येय वाक्य में धर्म को स्थान देता है। संस्कृत में एक और प्रसिद्ध वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यानी हमारे ग्रंथों में भी स्पष्ट है कि धर्म का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण कितना आवश्यक है। अब अगली कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि सर्प चाहते हैं चंदन को, अधम चाहते हैं वंदन को। सर्प चाहते हैं चंदन को, अधम चाहते हैं वंदन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को। काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, थौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए।
बंदी को मुक्ति की चाहत, बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं, यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं, प्रतिपल है हर एक घड़ी हैं, हिम शिखरों से बड़ी चाहते मिलता जाए उतना चाहें, बूंदे सागर जितना चाहें। लेकिन लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं जो बस केवल इतना चाहें कि इसकी मान की रक्षा हेतु हृदय शून्य में भले समाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर पर लहराए, यूं ही अंबर पर लहराए। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।